बे यार इतनी बदबू कहाँ से आ रही है यार? पता नहीं यार। अरे वहां से आ रही है। अरे हद हो गई यार, ये तो अपनी तरफ ही आ रहा है। हद हो गई यार, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। भैया क्या खा रहे हो? अबे मैं कुछ भी खा रहा हूँ, तेरे को क्या लेना देना इससे? भैया। अरे ऐसे कैसे भैया बोल दिया किसी को तू? भैया थोड़ा सा मुझे भी दो ना, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। देखो एक बार में समझ में नहीं आता है क्या, तेरे माँ बाप मर गए जो भीख मांग रहा है, और देखो कितना बड़ा हो गया है, काम करके नहीं खा सकता है तू? पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से चले आते हैं। चल निकल यहाँ से, फोकट में बदबू फैला के रखा है। इस दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी से बात तक नहीं करता। मुझसे जो प्यार करती थी वो सिर्फ मेरी माँ थी। मुझे माफ़ कर देना माँ, पेट की भूख एक ऐसी चीज होती है जो कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। अरे ओए भाई, ओए 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 ओए, चोरी करता है बे। अरे भाई इधर रुको, इस अनाथ को क्यों मार रहे हो? क्या ये अनाथ है? मुझे मालूम नहीं था। वैसे ये अनाथ हो या ना हो मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना है। इससे महंगी महंगी चीजें मैं अपने कुत्तों को खिला दिया करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, पड़ा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। क्या करूँ साहब, फेंका हुआ खाना खाते आज तक जिंदा हूँ। भाई मेरे भी हालात कुछ अच्छे नहीं। ये ले कुछ पैसे, भगवान पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। एक बात बोलो साहब जी। हाँ बोलो। आपके घर के हालात भले ही गरीबों वाले हो लेकिन आप दिल के बहुत अमीर हो। भगवान इस अनाथ का भला करे। निशान इधर तक गंदी नाली का कीड़ा जा रहा है। भाई अगर किसी गरीब अनाथ का भूख न मिटा सको तो उसका मजाक भी मत बनाया करो। अगर आप अनाथ होते तो हम जैसे अनाथ की अहमियत समझते। बहुत इमोशनल कर लिया बेटा, आप निकल यहाँ से, मैं तो दूंगा एक खींच के तेरे को। क्या बे, देख कर नहीं चल सकता क्या? शुक्र कर उस लड़के की जिसने तुम्हारी जान बचा ली। तुम्हारे इस एहसान का शुक्रिया कैसे अदा करूं भाई? क्या बोले भाई? भाई आपने मेरा जान बचाया है, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? ओ मेरे भाई। भाई रो क्यों रहा है तू? मजाक में ही सही, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे भाई बोला है। इससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है भाई? भाई तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं बचपन से अनाथ हूँ। भाई आज से तू अनाथ नहीं है, आज से तू मेरा छोटा भाई है, चल सकते हो। चुप यार चुप, दिमाग खराब है और वैसे हमार। सर ये अनाथ क्या कर रहा है आपके साथ, और इसके कपड़े तो देखो पक्का कहीं से मांग के लाया होगा ये। औकात मेरे के बात क्या कर, ये कोई अनाथ नहीं मेरा छोटा भाई है, और हाँ जब से मेरे बिजनेस में आया है जब से मेरा बिजनेस 4 गुना बढ़ गया है, सब इनके मेहरबानी से हुआ है। आज मेरा भाई मेरे जायदाद में बराबर का हकदार है। क्या बोले तुम, गंदी नाली का कीड़ा? अरे गरीबों से सही से पैसा आया करो, ना जाने कब किसका वक्त बदल जाए। ये लो कुछ पैसे, और जब भी कोई गरीब पैसा मांगे तो उसे दे दिया करो, क्योंकि एक भिखारी दूसरे भिखारी के दर्द समझ सकता है। तुम लोग पैसे से भले ही अमीर हो लेकिन तुम्हारा दिल जो है ना वो किसी गरीब से कम नहीं है। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को भी फॉलो करें।